हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये ऐसे सेशन है जिसमें आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर कृत्रिम मेधा जो है उसके अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और उसके लिए जो चुनौती है वो सारे को कवर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कृत्रिम मेधा और भारत के लिए चुनौतीपूर्ण अवसर। ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, ये इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीएपीएफएससी के लिए, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे स्टेप लिए गए हैं जो बहुत ज्यादा इस बार ट्रेंडिंग में रहा है, तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कवर किया जा रहा है यहाँ पर। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके वीडियोज को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ही, क्योंकि ये पहला ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वैसे स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता है कि मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था, वो जाके जरूर देख सकते हैं कि मैंने अनअकैडमी को क्यों छोड़ा, और वहाँ पे जो कंटेंट मैंने पेड में दिया था वो सारे अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे रहे हैं। तो जरूर इस चैनल के साथ जुड़िए और आप प्लेलिस्ट से जाकर के बहुत सारे वीडियोज को देख सकते हैं जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज है। इसके साथ ही पॉलिटी 1000 के प्लस आपके ज्योग्राफी के सेशन चल रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं। ये सभी जो है आपको एग्जाम को क्रैक करने में काफी हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला भाई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? ठीक है, अगर AI का बात करें तो ये है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक आदमी के दिमाग को अगर कृत्रिम तरीके से बनाया जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI, जिसमें अगर आप देखें तो केवल प्राण नहीं होगा, मीन्स वो जो मरेगा और जिएगा नहीं, बट वो हर एक तरीके से आदमी के दिमाग की तरह काम करेगा। तो इसको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन में अगर हम इसको भाषा के तौर पर लिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वैसी मेधा, ठीक है, जिसमें मानव द्वारा बनावटी और कृत्रिम तरीके से, मीन्स जिसे मानव द्वारा बनावटी और कृत्रिम तरीके से विकसित किया जाता है, कृत्रिम मेधा कहलाता है, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग AI बोलेंगे आगे से, क्योंकि AI कृत्रिम मेधा अगर आप बोलते हैं तो आपको केवल 300 वर्ड में यहाँ पे लिखना होता है एसेज, और वहां पे आपको फैक्ट्स भी देने हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि 300 वर्ड में लिखना है और हमें ऐसा लगता है कि केवल 300 वर्ड में लिखना है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा वे सारे पॉइंट को इंक्लूड करना जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए आप जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म का यूज करें, जितना हो सके ऐसे वर्ड का यूज करें जो आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स को इंक्लूड करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से हम लोग केवल AI वर्ड को यूज करेंगे इसमें। तो कृत्रिम मेधा वैसा होता है, वो होता है जिसको मानव बनावटी या फिर कृत्रिम तरीके से विकसित कर लेता है। और ऐसा जो मेधा होता है, ऐसी जो इंटेलिजेंस है, वो सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम या फिर मशीन के थ्रू जो है वो बाहरी डाटा को समझने में और उसकी व्याख्या करने में सक्षम होता है। अब अगर आप AI का बात करेंगे तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। अगर आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक रोबोट को बनाते हैं तो आप एक रोबोट अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप दिमाग आदमी के दिमाग के अंदर डालेंगे ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो उस एल्गोरिदम पे काम करेगी। तो सॉफ्टवेयर या फिर एल्गोरिदम या फिर मशीन, तो एक रोबोट जो होता है वो मशीन ही होता है जिसमें हम AI कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाल देते हैं और वो सॉफ्टवेयर या फिर एल्गोरिदम के माध्यम से चलता है। और ये जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बाहरी डेटा को समझने में और उसकी व्याख्या करने में सक्षम होता है। अब बाहरी डेटा ऐसा है कि हमें अभी रोटी खाना है और रोटी बन के रखा हुआ है, तो उसको समझ में आता है कि अभी आदमी को रात है तो इसको रोटी खाना है। बाहरी डेटा को वो समझा और फिर उसको व्याख्या कर दिया, आपके सामने रोटी लाके रख दिया, तो उसके पास ये पावर हो जाता है, उसके पास ये क्षमता हो जाती है कि वो बाहरी डेटा को समझ भी लेता है और उसको व्याख्या भी कर देता है। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें और क्या जोड़ सकते हैं हम कि 1950 में क्या हुआ था कि जॉन मैकार्थी थे जिन्होंने AI वर्ड का यूज किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज किया था पहली बार वो जॉन मैकार्थी थे। तो इसीलिए जॉन मैकार्थी को AI का पिता कहा जाता है, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पिता बोला जाता है वो जॉन मैकार्थी को बोला जाता है, क्योंकि 1950 में इन्होंने क्या किया था कि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को यूज किया था इन्होंने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलते हैं अभी अब इसके बॉडीज वाले पार्ट में।
से हम आपको बता दें कि पहले में इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरे में बॉडी देंगे और तीसरे में कंक्लूजन देंगे। आईबीसी अपना एक लेटेस्ट टॉपिक बन के रह गया हुआ है। आईबीसी के पहले वाले पार्ट में हम लोग दो पार्ट में इसके हिस्ट्री को देखेंगे और तीसरे और बाकी के बाकी का जो तीन पार्ट बच जाएगा, इस तीन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जितना हो सकेगा वो करंट अफेयर्स को यूज कर देंगे। ठीक है, तो दो पार्ट में इसके हिस्ट्री को लिखेंगे और तीन पार्ट में करंट अफेयर्स को यूज करेंगे, बाकी कंक्लूजन दे देंगे। और पहला जो इंट्रोडक्शन था उन्होंने उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये सिंपल लॉजिक है कैसे लिखने का, जो आपको सीएपीएफ के एग्जाम में काफी मार्क्स दिलवाएगा, क्योंकि आपको केवल और केवल 300 वर्ड में ऐसे लिखना होता है, केवल 300 वर्ड में। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप 300 वर्ड में सारे चीज को समराइज कर दें। आते हैं फिर से टॉपिक की तरफ। तो वर्तमान में एआई का जो दायरा है बहुत भयंकर तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसको देखें तो एआई हर एक जगह पे, आपके मोबाइल फोन में है, आपके मोबाइल फोन में है, आपके लैपटॉप में, अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप में जो सिस्टम काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके मोबाइल फोन में जो एलेक्सा काम करती है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम कर रहा है, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका जो अवसर है इसके साथ साथ चुनौतियां भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले एक काम ऐसा होता था जो मशीन से होता था, धीरे होता था, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट उस काम को करता है और वो काम जो पहले 100 घंटे में होता था वो काम अब मात्र 5 मिनट में हो जाता है। इतना का फासला हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, पहले एक कंपनी एक महीने में 30 मोटर बाइक को निकालती थी, अब वही कंपनी एक महीने में 1000 मोटर बाइक निकाल लेती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये फायदा हुआ है यहाँ पर। लेकिन ये जो अवसर है इसके साथ साथ चुनौतियां भी तो बनते जा रही है, बहुत सारी चुनौतियां हैं इसके साथ। तो अगर इस पर हम लोग ध्यान दें, तो अगर इसके अवसर के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, इसके जो अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो ये विनिर्माण में मीन्स जितने आपके विनिर्माण होते हैं, विनिर्माण उद्योग होते हैं, उन सारे में इसके साथ साथ जो आपका चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सेवा हो गया, शिक्षा हो गया, शासन हो गया, कृषि हो गया और वित्त हो गया, इन सारे में अपनी पूरी तरीके से भूमिका निभा रहा है। थोड़ा सा आ जाते हैं इसको एक्सप्लेन करने के ऊपर। विनिर्माण में पूरी तरीके से ये अपनी भूमिका निभाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये कंपनी जो पहले केवल और केवल 30 मोटर बाइक निकालती थी, अब एक महीने में 1000 मोटर बाइक निकाल लेती है। पहले एक मजदूर जो होता था वो केवल 100 ईंट एक दिन में जोड़ता था, अभी वहां पे कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड करके मशीन जोड़ दिए गए हुए हैं जो दिन और रात काम करता है और कम से कम 1000 ईंटें को एक दिन में जोड़ लेता है। तो सारे विनिर्माण उद्योग में इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। इसके साथ चिकित्सा में अगर आप देखें तो पहले ऑपरेशन जो होता था वो सर्जरी होता था, अभी लेफ्रोस्कोपी होना स्टार्ट हो गया है। स्वास्थ्य सेवा में काफी हेल्प करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी आप अगर देखें तो आपका एक ड्रोन होता है, ठीक है, ड्रोन होता है, उसके माध्यम से अगर आप चाहेंगे तो अपने आपका जो मेडिसिन है उसको आप डिलीवर करवा सकते हैं। प्लस शिक्षा में अगर देखिएगा तो एक स्टूडेंट अभी टीचर से इंटरेक्ट होने के बजाय वो यूट्यूब पे पढ़ना ज्यादा पसंद करता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा चेंजेस किया। ये शासन के क्षेत्र में चेंजेस किया, सीसीटीवी कैमरा आप देख लेते हैं सारे जगह पे, वो कहीं ना कहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। कृषि में अगर आप देखें तो वैज्ञानिक आसानी से बता देते हैं किसान को कि भाई आज उल्का आने वाला है, ठीक है, आज पता चलता है कि हमें ओलावृष्टि होने वाला है, ठीक है, ओलावृष्टि होने वाला है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। अभी आप एटीएम यूज करते हैं काफी आसानी से, वो एटीएम में आपको बताता है कि अब आप एटीएम को लॉक कर लीजिए यहाँ पे, तो उसके अंदर से जो लड़की बोलती है या कोई लड़का बोलता है वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा आपका एग्जाम्पल है। तो सारे जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, इसके दायरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान अर्जन के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया ये। विद्यार्थी अभी जो है स्टूडेंट वो एलेक्सा यूज करते हैं, गूगल होम यूज करते हैं, एप्पल का सीडी, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, ये सारे यूज किए जाते हैं स्टूडेंट के तरफ से, जो उनको काफी इजिली हर एक चीज प्रोवाइड करवाता है। अगर अभी आपको ताजमहल के बारे में जानना है, ठीक है, ताजमहल के बारे में अगर आपको जानना है तो अगर आप ये एलेक्सा यूज करते हैं तो एलेक्सा को बोलिए ताजमहल खोजने के लिए, गूगल होम यूज करते हैं तो उसको बोलिए, एप्पल का एप्पल फोन यूज करते हैं तो सीडी बोलिए,
माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप यूज करते हैं या मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसको कोर्टाना में जाके बोलिए कि हमें ताजमहल के बारे में जानकारी दीजिए। तो पढ़ाई के तरीके को पूरी तरीके से चेंज कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। इसके साथ ही पहले टीचर क्या करते थे कि ऐसा कलम लेते थे और कलम से फिर सारे चीज का मूल्यांकन करते थे। अभी उनको हर एक चीज अगर वो चाहें तो उनको पीडीएफ में मिल जाता है, हर एक चीज को वो ऐसे ही मूल्यांकन में आसानी मिल गई है उनको। तो टीचर्स को भी फायदा होता है, टीचर्स जो है वो क्लास रूम में गए भी ना। अभी जो लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, अभी जो लॉकडाउन हुआ है इसमें टीचर्स क्लास में नहीं थे फिर भी उनके बच्चे पढ़ रहे थे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो कमाल है ना, तो कहीं ना कहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही फायदा मिला उनको। तो ये सारी चीजें प्लस पर्यावरण में भी, पर्यावरण परिस्थिति का मूल्यांकन करके फसल में जो बीमारियां होती है उसको बता सकता है। अभी ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जिसमें अगर आपके फसल में, आपके फसल के पत्ते अगर गिर रहे हैं तो आप उस एप्लीकेशन में उसके फोटो को डालिए, ठीक है, उसके फोटो को क्लिक करके आप वहां पे डाल दीजिए, वो आपको बता देगा कि आपके फसल में कौन सा बीमारी हो गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। इसके साथ ही जो बीमारी है बाढ़ है, इसको आप बाढ़ कर लीजिएगा, बाढ़ से भी बचाता है। और अगर ये किसान को फसल के बीमारी से बचा देगा, बाढ़ से बचा देगा, तो सरकार की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है कि जीरो गरीबी रखेंगे और जीरो भूख रखेंगे, ठीक है। मीन्स अगर गरीबी नहीं रहेगी तो भूख से आदमी रहेंगे भी नहीं। तो इसका जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रेशियो है, इसको प्राप्त करने में सरकार को सहायता मिलेगी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो इसके तकनीक, कुछ ऐसे तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंक्लूड हो गए हुए हैं, जैसे लेफ्रोस्कोपी को आप मान लीजिए, ठीक है। लेफ्रोस्कोपी को अगर आप मानिएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है ये। अभी अगर किसी के किडनी में पथरी होता है तो एक दिन में 100 ऑपरेशन हो सकते हैं ऐसे एक हॉस्पिटल में, लेकिन अगर आप प्रीवियस टाइम को देखें तो एक दिन में 2 से 3 एक ही डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आज वही डॉक्टर 100 ऑपरेशन कर सकता है अगर वो चाहे तो। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। और इसके ऊपर से क्या हो रहा है कि पेशेंट का जो संख्या है वो तो कम हो रहा ही है, इसके साथ साथ जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर भी प्रेशर जो है, वो बोझ जो है वो कम होते जा रहा है। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ, अकाट्य सत्य ये भी है कि हमारी जो देश है, भारत जो है, वो सबसे सस्ता डेटा अवेलेबल करवाती है, ठीक है, सबसे सस्ता डेटा अवेलेबल करवाती है। और इसका ये रीजन हुआ कि पूरे इंडिया में भाई 60 करोड़ इंटरनेट यूजर है और 37.5 करोड़ स्मार्टफोन यूजर है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो स्मार्टफोन में देख रहे होंगे, और आपके जैसे जैसे 37.5 करोड़ पूरे युवा जो है, या फिर युवा हो या फिर पूरे भारत के लोग हो, वो स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे चीज होने के बाद बहुत तरीके से ये सरल भी है, जैसे सोशल मीडिया सरल है उसी तरीके से सरल है और सुविधाजनक भी है। तो इसमें कुछ चुनौतियां भी आती है। अब चुनौतियां क्या आती है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस्ट अगर कोई रोबोट होगा या फिर कोई मशीन है, वो एक दिन में 100 काम कर लेती है, ठीक है। अब एक दिन में 100 काम कर लेती है तो यहाँ पे जो भी कंपनी वाले होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस्ट कोई मशीन को रखना है सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉस्ट भी तो कम हो रहा है ना, यहाँ पे कॉस्ट कम हो रहा है, यहाँ पे मैन पावर कम लग रहा है। तो मैन पावर जैसे ही कम लगना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, नौकरी छीनेगी, ठीक है, अनइंप्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में, और वो बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपनाने के बाद यहाँ पे। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, अनुकूल प्रभाव तो पड़ा नहीं, बेरोजगारी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। प्लस कुछ ऐसे, अब सपोज दैट एक कंपनी है, मान लेते हैं एक कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी में पहले 500 वर्कर काम करते थे, अब इन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर लिया, अब यहाँ पर इनको केवल 50 लोगों की जरूरत है। और इसमें भी जो ये 50 लोग होंगे, ये 50 लोगों को वैसे कौशल देने पड़ेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लैस्ट होंगे मशीन, उसमें ये अच्छी तरीके से काम कर लेंगे। तो जितने यहाँ पे युवा हैं या फिर जितने वर्कर्स हैं, उनको पुनः कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है इसके लिए, ठीक है। इसके साथ ही निजता, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सपोज दैट अपना जो अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप टीचर हैं या फिर अगर आप वर्कर हैं, तो अभी जो आपका अटेंडेंस लगने लगा है वो बायोमेट्रिक लगने लगा है, ठीक है, बायोमेट्रिक आपका अटेंडेंस लगता है, और इसमें आपके फिंगरप्रिंट को लिए जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना पावर होता है कि आपके फिंगरप्रिंट को यूज करके कोई आदमी
आपके निजता में सेंध डाल सकता है, आप पता कर सकता है कि आपके कितने बैंक अकाउंट है वो पता कर सकता है, वो ऐसा करके आपके अकाउंट से पैसे भी निकाल सकता है। तो डेटा का जो संरक्षण है और निजता पर जो है बहुत बड़ी चुनौती बनकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। फायदे तो बहुत हैं इसके, लेकिन इसके थ्रू जो सेंध लगाया जाता है आपके प्राइवेसी में उस पर, वो जो है वो बहुत बड़ी चुनौती बन के आ रहा है और ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर रहा है अगर डेटा का संरक्षण नहीं हो रहा है तो ये चीज डिफिकल्ट है। और अगर हम इसके कंक्लूजन के ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एआई जो है इसका भारत में जबरदस्त संभावना है। जबरदस्त संभावना इसलिए है क्योंकि एआई का यूज अगर हम पूरे एग्रीकल्चर में कर लेते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर हम कर लेते हैं इसका यूज, इसका यूज अगर हम लोग एजुकेशन में करते हैं, इसका यूज अगर हम लोग, आपसे बता दें कि यहाँ पे आपका एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसका यूज अगर हम लोग मैकेनिज्म में करते हैं, इसका यूज अगर हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं से इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि यहाँ से हमारा जो शिक्षा का लेवल होगा वो डेवलप होगा, एग्रीकल्चर का लेवल डेवलप होगा, हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो विदेश में भी उसको बेच पाएंगे। लेकिन लेकिन अगर इसका यूज हम लोग एक सही अनुपात में नहीं करेंगे, अगर एक सही अनुपात में इसका उपयोग अगर हम लोग नहीं करते हैं तो बेरोजगारी भी बढ़ाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसके कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि इसका सही इस्तेमाल सही अनुपात में करके और दुरुपयोग से बच करके एक नए और सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया। तो कंक्लूजन आप ऐसा दे सकते हैं, नंबर ज्यादा दिलवाएगा आपको आपके एसेज में। तो ये था आज के वीडियो के लिए। आज हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके कृत्रिम मेधा है या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको बोल सकते हैं आप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको आप बोल सकते हैं, इसको आज हम लोगों ने कवर कर लिया। ये कैसे इंडिया के लिए चुनौतीपूर्ण अवसर है इसको आज हम लोग कवर किए हैं। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पहला चैनल है जो आपको हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है ऐसे का फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।